हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सेकंड व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ट्रिप पे गया था नैनीताल, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 325 के आसपास किलोमीटर्स है दिल्ली से। तो वीकेंड ट्रिप था, दो दिन लगे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में, मज़ा आया। तो मैं अपनी रॉयल इनफील्ड 500 cc लेके गया था, मेरा एक फ्रेंड जो कि जिसने अभी यजदी रोडस्टर ली है बहुत रिसेंटली, और एक पल्सर 220। हम 5 लोग गए थे एंड हम वहाँ नैनीताल में रुके दो दिन। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अर्ली मॉर्निंग आप कितना भी प्लान करोगे, आप कितना अर्ली निकल जाओगे, हम लोगों ने सोचा था शायद कि हम सुबह 3 बजे निकल जाएंगे, बट सब सोते रह गए। सबके फ़ोन्स में अलार्म लगे हुए थे, कोई टाइम पे नहीं उठा, और निकलते निकलते सुबह के 8 बज गए। 8 बजे निकले एंड फिर हम ट्रैवल करके ऑलमोस्ट लाइक शाम हो गई। रुकते रुकाते ज़्यादा कुछ नहीं किया, 80-90 पे क्रूज करते हुए आराम आराम से हम लोग नैनीताल पहुँचे। और यहाँ पर हम रुके गन्ने का जूस पीने के लिए, और फिर डिसाइड किया यहाँ के बाद थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए और फिर हम सीधा पुश करते हैं पहाड़ों के लिए। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हम सीधा नैनीताल जाएंगे और नैनीताल में जाके बोटिंग करने वाले हैं हम लोग। एक बात तो है पहाड़ों की कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलती है यार। हम लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है गाड़ियों का, व्हीकल्स का, पहाड़ों पे जाओ बादल ही बादल, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, सुकून ही सुकून, अलग ही मज़ा। तो यहाँ पर हमें कुछ और फ्रेंड्स मिल गए जिनके साथ हमने लंच किया और फिर हम अपने रूम पर गए और रात में गए नैनीताल। नेक्स्ट डे हम उठे, थोड़ी देर नीचे गए जहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस खींचे दोस्तों के साथ और एक छोटा सा वीडियो, और इसके बाद हम निकल गए वापसी के लिए। थोड़ा नीचे उतरने के बाद हमें एक अमेजिंग लोकेशन मिली। हमने यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं किया था नेक्स्ट डे वापसी के लिए, तो हम लोग यहाँ रुके
हमने ब्रेकफास्ट इंजॉय किया, बट व्यू इतना अमेजिंग था कि हम बहुत देर तक यहाँ बैठे रहे, बहुत सारी चाय पी, बहुत सारी बातें करी, और फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद बारिश हुई बहुत तेज़ और बहुत फ़नी हुआ। मैं तो शेड में जाके खड़ा हो गया था, बट मेरे फ्रेंड्स बहुत देर तक बारिश में भीगते रहे, और फिर एक एक करके इनको वापसी में शेड में घुसना पड़ा जहाँ पर मैं था। और बस यहाँ के बाद हम निकल गए वापसी के लिए। तो अभी आपको कुछ एक शॉट्स दिखा रहा हूँ मैं, जो कि हमने वहाँ पर क्लिक किए थे। तो होपफुली आपको ये वीडियो बेटर लगा होगा मेरे फर्स्ट वीडियो से। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज़ बताइएगा जहाँ आपको लगता है कि बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है मुझे। तो अभी तो सेकेंड व्लॉग है, आई जस्ट होप कि आपको ये थोड़ा बेटर लगा होगा फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन में तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे करना है, बट अभी कुछ बेटर है, पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो बस ये एक कोशिश है तो आपको एंटरटेन करने की, अच्छे वीडियोस बनाने की, एंड आई जस्ट होप कि आपको मज़ा आएगा आगे के वीडियोज़ में। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही व्लॉग में, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलराइट, सायोनारा गाइस।